मॉरल विजन पेश करते हैं बच्चों के लिए उर्दू एनिमेशन। दिल्ला अब्दुल्ला तेरा नाम अब्दुल्ला, सारे जमाने में तेरा नाम अब्दुल्ला, दोस्तों का प्यारा है, सबका दुलारा है, लोगों की आंखों का जगमगाता तारा है, ये तो है अच्छा अब्दुल्ला, ये तो है सच्चा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला प्यारा नाम अब्दुल्ला, सारे जमाने में तेरा नाम अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम, क्या हुआ खदीजा, उमर बतुल नहीं आए? मैंने कहा तो था शायद कुछ काम में लग गए हो। काम में नहीं बल्कि अपना अकेले खेलने में लगे होंगे और यहाँ आना भूल गए होंगे। फिर से बदगुमानी की तुमने जैद, आओ चलकर देखे सच क्या है। मैंने तो बस यूं ही कह दिया। यूं ही कह देना ठीक नहीं, और किसी के बारे में कहो तो अच्छा ही कहो। मैंने ऐसा क्या बुरा कह दिया? अब झगड़ो नहीं, वहीं पहुँच कर देखेंगे। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, तुम वो हम असल में आने ही वाले थे लेकिन अम्मी ने ये काम दे दिए और हम बस पौधों में पानी डाल के आ ही रहे थे। वो सब तो ठीक है लेकिन खैर, अगर काम खत्म हुआ तो हम चलते हैं। काम तो खत्म हुआ, आओ चले। बतुल, तुम लोगों के बाग में तो बहुत से खूबसूरत फूल हैं। क्यों नहीं होंगे, आखिर दादी जान इनका बहुत ख्याल रखती है। खदीजा, तुम कुछ भूल गए। कुछ भूल गई? बागान की तारीफ की तुमने, माशाल्लाह तो कहो वरना अपनी नजर लगा दोगे। मैं क्यों भला नजर लगाऊं? बहरहाल मुझे माशाल्लाह कहना चाहिए था, अब कह देती हूँ माशाल्लाह। नजर लगाने से नहीं लगती, बस अपने आप लग जाती है। इसीलिए हम जब भी किसी की तारीफ करें या कोई खूबसूरत और अनोखी चीज देखे तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह की तारीफ करे। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? खेल के मैदान में। नहीं, आज मैं तुम लोगों को कहीं और ले जा रहा हूँ। कहीं और? कहाँ भाई? जरूर अपने नए खिलौने दिखाने ले जा रहे हो। नहीं, आओ चलो मेरे साथ, बाजू में गांव के करीब कुछ दिखाना है तुम्हें। बाजू के गांव में? वो घना जंगल पार करते हुए, वहाँ जानवर भी होते हैं, डरपोक कहीं के, ये लोगों के आने जाने का आम रास्ता है। हम थोड़े ही अंदर घने जंगल में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बतुल, और वहाँ से हम सीधे मेरे घर चलेंगे। घर पर क्यों? वहाँ भी कुछ चीजें दिखानी है तुम्हें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब देख लोगे तब समझ जाओगे। जैसे तुम्हें तो सब कुछ समझ में आ गया। वाह माशाल्लाह, हम फिर यहाँ आ गए। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये रंग बिरंगे फूल और पौधे, ये ताज़ी हवा, और कितना खूबसूरत मंजर है ये। बिल्कुल ठीक कहा तुम लोगों ने, कितना खूबसूरत है ये। लेकिन उस तरफ भी एक नज़र डालो। वो देख रहे हैं उन बच्चों को और उनके अब्बा को। इन गांव वालों को रोजाना अपने पीने और इस्तेमाल के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना होता है। 3 किलोमीटर से पानी, इतना दूर? वो भी इस तरह सर पर रखकर? वो भी गर्मी के वक्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो क्यों? तालाब और बोरिंग में पानी सूख जाता है, तब ये लोग अपनी जरूरत को आधा कर लेते हैं, जैसे थोड़े से पानी से नहाना और कपड़े धोना वगैरह। बाबा रे बाबा, इतने तकलीफ से रहते हैं ये लोग और ऐसे ही पूरी जिंदगी बसर कर लेते हैं। ये तो एक नमूना है, वरना दुनिया में कितने ही ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग पानी के प्यासे बीमार रहते हैं। हाँ, मैंने न्यूज में देखा था किसी जगह कई लोगों की मौत भी हो गई और वहाँ खेती भी नहीं और कोई फसल भी नहीं। बिल्कुल सही, सोचो इस कदर लोग तकलीफ में रहते हैं अपनी बुनियादी चीजों के लिए, और हम है कि अल्लाह के दिए हुए नेमतों की बिल्कुल कदर नहीं करते। हाँ, हमें तो अपने जरूरत से ज्यादा पानी मिलता है और हम कितना पानी जाया करते हैं। अच्छा, अब मैं समझी, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? हम दोनों बागान में जरूरत से ज्यादा पानी डाल रहे थे और खेलते हुए पानी को यूं ही बहा रहे थे, इसीलिए ना। ठीक कहा तुमने बतूल, सोचो एक तरफ लोग किस कदर शिद्दत से पानी के मोहताज हैं और हम पानी को अपने दिल बहलाने के लिए सामान बनाए जाया कर रहे हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन इतने बड़े बड़े वाटर पार्क और दूसरे एंटरटेनमेंट की जगह हैं जहां रोजाना बड़ी तादाद में पानी जाया होता है, वो भी सिर्फ मजे करने के लिए। देखो, जो जैसा करेगा उसे अल्लाह को वैसा ही जवाब देना होगा। तो क्या हम स्विमिंग पूल भी नहीं जाए? ऐसा नहीं है, स्विमिंग पूल हम मजे करने नहीं जाते, वहाँ हम वर्जिश के लिए, अच्छे हेल्थ,
तंदुरुस्ती के लिए जाते हैं। इसका मतलब अच्छे काम और सही इस्तेमाल के लिए हम पानी खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे कि ज्यादा और फिजूल खर्च ना करें और स्विमिंग पूल के पानी को गंदा ना करें ताकि उसे फौरी बदलने की नौबत ना आए। इस तरह हम पानी बचा सकते हैं। ठीक है, आज से मैं पानी बचा कर सलीके से इस्तेमाल करूंगा। लेकिन हमारे थोड़े से पानी बचाने से क्या होगा? अगर हम सभी और शहर का हर इंसान थोड़ा पानी बचाएगा तो शायद इतना पानी बच जाएगा कि ऐसे कई गांव से पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। हमारे बचाने से इन गाँव वालों को पानी मिलेगा? हाँ, अब्बू ने कहा था कि अगर शहर में पानी पूरा होकर बचेगा तो गवर्नमेंट जरूर गांव वालों तक ज्यादा पानी पहुंचाएगी। अरे वाह, तब तो हमें जरूर पानी बचाना चाहिए। अब्बू ने एक और अहम बात बताए थे कि हम सब अल्लाह के दरबार में अपने खुद के अमाल के लिए जवाबदेह होंगे, सो हमें चाहिए कि हम खुद पानी को जाया होने से बचाए। ओ हाँ, मुझे एक हदीस याद आया जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को वजू करते हुए देखे तो कहा कि अगर तुम्हारे सामने नदी भी बह रही हो तब भी पानी को कम खर्च करो, क्योंकि अल्लाह इसराफ को पसंद नहीं करते और अल्लाह ताला इसका भी हिसाब लेंगे। सोचो, जब वजू में भी पानी को बचाने कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तो दूसरे कामों में कितना खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों, हम आज ही से कोशिश करेंगे कि जितनी जरूरत होगी उतना ही पानी खर्च करेंगे और पानी को जाया ना होने देंगे। अब मेरे घर चलते हैं, हम वो इंटरनेट पर देखेंगे कि इस तरह बहुत से इलाकों में पानी की किल्लत है और लोग परेशान हैं।